तो जब हम AI की दुनिया में कदम रखते हैं तो जिससे हमारी सबसे पहले मुलाकात होती है वो है ChatGPT। बाकियों का तो पता नहीं लेकिन कंटेंट क्रिएशन में ChatGPT ने काफी हद तक मदद की है। मतलब 50-80% ChatGPT की हेल्प से ही काम चुटकियों में खत्म हो जाता है। डेट्स वाई आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे आप इंस्टाग्राम के लिए कॉन्टेंट बना सकते हो यूजिंग ChatGPT। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम फीड पोस्ट के बारे में, नॉट रील्स। आपको पता होगा अगर आपके अकाउंट रील्स की वजह से ग्रो हुए हैं तो आपने एक चीज तो जरूर से नोटिस करी होगी कि एक टाइम के बाद आपकी रील्स की रीच बिल्कुल डाउन हो जाती है, आपके रील्स के व्यूज बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। बट अगर आप फीड पोस्ट रेगुलर अपलोड करते हो तो आपकी ऑडियंस आपके साथ हुक रहती है। बट अगर आप सिर्फ रील्स के ऊपर डिपेंड हो तो आप एक टाइम पर अपने इंस्टाग्राम की रीच पूरी की पूरी खो दोगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो और रील्स की वजह से आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है तो उसी के साथ साथ आपको फीड पोस्ट भी अपलोड करने चाहिए। इन फ्यूचर आपकी रील्स की रीच डाउन हो भी जाए एंड आपकी ऑडियंस आपके फीड पोस्ट के साथ भी हैबिचुअल होगी तो आपके इंस्टाग्राम पेज की रीच स्टेबल रहेगी। इंस्टाग्राम पर फीड पोस्ट बनाने कैसे हैं? हम ये बनाएंगे विद हेल्प ऑफ ChatGPT। बेसिकली हम क्राउजल पोस्ट बनाने वाले हैं जिसमें एक से ज्यादा पोस्ट रहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ChatGPT को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ChatGPT टोटली चेंज्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे मेरे सामने ये सेक्शन बने हुए आ रहे हैं। ये मैंने कैसे किया और मोबाइल यूजर कैसे कर सकते हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा इंस्टाग्राम एंड एज यू कैन सी इंस्टाग्राम के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सेक्शन थे वो मेरे सामने आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इंस्टाग्राम पोस्ट क्राउजल कंटेंट जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ अपने क्राउजल पोस्ट का टॉपिक डालना है, मेरे लिए सारा तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू वायरल इंस्टाग्राम रील्स। आप देख पा रहे हो ChatGPT मेरे लिए पूरा कंटेंट क्रिएट कर रहा है। आपके पोस्ट के लिए कैप्शन आ चुके हैं, हैशटैग आ चुके हैं, सारी की सारी सामग्री आपके लिए उपलब्ध है। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है लेकिन उससे पहले आपको पोस्ट बनाने भी तो हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कैनवा एप्लीकेशन। यू कैन इजिली यूज इट ऑन मोबाइल ऑल्सो। यहाँ पे आपको इजिली सर्च करना होगा क्राउजल एंड थर्ड नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है क्राउजल इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट। क्लिक कर लो इजीली। आपके सामने कई सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने अपना टेम्पलेट चूज कर लिया है। आप यहां से अपने टेम्पलेट्स को सर्च करके भी चूज कर सकते हो। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फोटो चाहिए होगी जो कि बैकग्राउंड फोटो है। तो मेरा टॉपिक यह है हाउ टू वायरल रील्स ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं जाऊंगा pexel.com पे इजीली और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंस्टाग्राम। इसको मैं लेके आऊंगा अपने कैनवा एप्लीकेशन में। अब मुझे करना क्या होगा, इसको एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू माई पोस्ट कुछ इस तरह से एंड देन क्लिक ऑन एडिट इमेज और इसकी सैचुरेशन में थोड़ी सी डिक्रीज करूंगा एंड ब्राइटनेस भी थोड़ी सी कम करूंगा ताकि मेरे जो टेक्स्ट है वो ज्यादा हाईलाइट हो। तो मेरा टाइटल क्या है, 10 सीक्रेट्स टू वायरल इंस्टाग्राम रील्स। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड अब आप देख सकते हो काफी ज्यादा हाइलाइटेड टेक्स्ट है। आप इनका कोई भी कलर रख सकते हो। अब हमारा ये फर्स्ट पोस्ट तैयार है, बढ़ते हैं सेकंड पोस्ट की तरफ। स्लाइड वन में इसने बोला है कि आप रखोगे इंट्रोडक्शन। मैं इसको कॉपी करूंगा और इसका टाइटल मैंने रख दिया इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आएंगे और नीचे मुझे लिखना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वायरल इंस्टाग्राम रील्स। इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारा कॉन्टेंट बना बनाया ही मिलेगा, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, इसको कॉपी किया और ये हमारा हो गया टाइटल। अब चलते हैं फिर से ChatGPT में एंड ChatGPT ने आपको इमेज की सजेशन भी दी है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ए स्क्रीनशॉट ऑफ इंस्टाग्राम इनसाइड पेज। अब आपको ये कहां से मिलेगा, इजीली चले जाओ गूगल पे, इसी को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दो इजीली एंड इमेजेस में चले जाओ और यहां पे आपके सामने काफी सारे स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं। कोई भी उठाओ और कैनवा एप्लीकेशन में लेके आओ, पीछे की तरफ चिपका दो इस तरह से और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर लो ताकि हमारे टेक्स्ट ज्यादा दिखे। टेक्स्ट को उठा करके नीचे ले आओ। तो आपको इसी तरह से कैनवा की हेल्प से सारे के सारे पोस्ट क्रिएट कर लेने होंगे एंड इनको डाउनलोड कर लेना होगा। क्लिक ऑन शेयर एंड यहाँ पे डाउनलोड। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे एक एक करके डाउनलोड कीजिए, सारे एक बार में मत कीजिए। आपको जिप फाइल मिलेगी जो कि आपको बाद में परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो आप वन बाय वन इनको डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड करना होगा इजीली। क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ से इनका साइज आपको एडजस्ट कर लेना होगा ओरिजिनल में। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिर्फ दो ही यहाँ पे पोस्ट लिए हैं, अभी मैंने दो ही बनाए थे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको कैप्शन और हैशटैग ऐड करने होंगे। चले आओ फिर से ChatGPT के ऊपर और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कैप्शन मिल गया है, हैशटैग मिल चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है। इजिली कॉपी एंड पेस्ट करो। नीचे आगे कोई एडवांस सेटिंग करनी है तो करो, अदरवाइज शेयर के ऊपर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को वायरल कर दो। तो अब बात करते हैं ChatGPT के बारे में। ये मैंने कौन सा पैंतरा लगाया कि मेरा ChatGPT कुछ ऐसा
ऐसा बन गया। तो यहाँ पे मैं अपना नॉर्मल चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। अब आपको क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा AIRPM। इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना होगा, विच इज AIPRM फॉर चैट जीपीटी, और ये एक एक्सटेंशन है। इसके ऊपर क्लिक करो और इसको अपने क्रोम में एड कर लो इजिली। ये फ्री है टोटली, ये काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा। यहाँ से टिक करो एंड कंफर्म कर दो। आपके सामने आपका चैट जीपीटी आ चुका है, जिसकी हेल्प से आप अपने इंस्टाग्राम कराउजल पोस्ट बना सकते हो। काफी सारे सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको सीधा क्लिक करना है, टाइटल नीचे देना है एंड आपका काम खत्म। अब बात करते हैं मोबाइल यूजर्स कैसे काम करेंगे। इजिली आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना होगा अपने मोबाइल फोन में एंड यहाँ पे लिखना होगा, गिव मी ए इंस्टाग्राम कराउजल पोस्ट ऑन टाइटल हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे लिखना होगा कितनी स्लाइड्स आपको चाहिए, विद 5 स्लाइड्स, कॉमा, कैप्शन, हैशटैग्स, टाइटल एंड इमेज। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि मुझे एक एक्सटेंशन यूज करने पर मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके कैप्शन आ चुके हैं, हैशटैग आ चुके हैं और यहाँ पे इमेज सजेशन भी आपको देखने को मिला है। बट अगर आप यूट्यूब के ऊपर चैट जीपीटी का यूज करके पैसे कमाना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।